हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रो कबड्डी लीग 7 सीजन के 56 मैच की, जो कि आज शाम को बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली के बीच त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में खेला जाएगा, जो कि होम ग्राउंड है दबंग दिल्ली का, यानी कि ये होम लेग शुरू हो गया दिल्ली का। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों की टीम इन्फॉर्मेशन, हेड टू हेड रिकॉर्ड एनालिसिस, फॉर्म की चेकिंग करेंगे, दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शन करेंगे, प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करेंगे, सब्स्टिट्यूट्स भी आपको बताएंगे, प्लेयर्स का कौन से अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो साथ साथ बताएंगे, फैंटेसी टीम्स की प्रेडिक्शन होगी, स्माइल लीग ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस होंगे और ड्रीम इलेवन के कम्बिनेशन के प्रीव्यू आपको दिखाएंगे। उन सभी से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, साथ ही कमेंट करना न भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि अगली वीडियो जो भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं कोई ना कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर मिस कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीम इन्फॉर्मेशन में। बेंगलुरु बुल्स ने 9 मैच खेल के 5 जीते हैं, 4 हारे हैं। वहीं दिल्ली ने 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, केवल एक मैच हारा है, एक उनका टाइड हुआ है। 29 पॉइंट्स लेके वो थर्ड पोजीशन पे हैं। बेंगलोर 27 पॉइंट्स लेके फिफ्थ पोजीशन पे है। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमों का बीच 11 मैचेस हुए हैं, तो दबंग दिल्ली ने 6 जीते हैं, बेंगलोर बुल्स ने 5 जीते हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस देखो तो फ्रेंड्स, दिल्ली ने 4 जीते हैं और बेंगलोर बुल्स ने केवल 1 जीता है। आप कह सकते हैं इस हिसाब से दिल्ली आपके लिए फेवरेट हो सकती है। अगर रिसेंट फॉर्म देखो तो उसमें भी पता चलता है फ्रेंड्स, दिल्ली ने अपने 5 मैचेस में से केवल 1 मैच हारा है लास्ट के, यानी कि वो गुड फॉर्म में है। और बेंगलोर बुल ने अपने 5 मैचेस में से केवल 2 मैच जीते हैं, वो एवरेज फॉर्म में है। अगर रिसेंट जो इस सीजन का कंपैरिजन करो तो रेडिंग पॉइंट से, टैकल पॉइंट से पता चलता है फ्रेंड्स, बेंगलुरु बुल ने 9 मैचेस में 171 रेड पॉइंट्स लिए हैं, वहीं दिल्ली ने 7 मैचेस लेके 129 रेड पॉइंट्स हासिल किए हैं। सक्सेसफुल रेड परसेंट बेंगलोर का बनता है 38 का और दबंग दिल्ली का 42 का, यानी कि जो दबंग दिल्ली के रेडर्स है उन्हें थोड़ा अच्छा सक्सेसफुल रेड डाली हैं। अगर टैकल पॉइंट्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स, बेंगलोर ने 90 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और दबंग दिल्ली ने 58। सक्सेसफुल टैकल जो परसेंटेज रहा दोनों का एक जैसा रहा है, बेंगलोर का 37 का, दिल्ली का 36 का, यानी कि एक जैसा। जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उनकी सक्सेसफुल रेड में पड़ता है, उसमें दबंग दिल्ली के रेडर्स ने अच्छा किया है एज कंपेरिजन टू बंगाल्स के। अगर रिसेंट हेड टू एनकाउंटर देखो तो फ्रेंड्स, पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच जो मैच हुआ था उसमें दबंग दिल्ली ने बेंगलोर को हराया था केवल 1 पॉइंट के डिफरेंस से। उसमें नवीन कुमार ने 4, चंद्रन रंजीत ने 9, मिराज शेख ने 7, रविंद्र पैल ने 3, चुंगी नरवाल विशाल मानी ने 1-1 लिया। रोहित कुमार ने 12 पॉइंट, पवन शरावत ने 10 पॉइंट, अमित शरण ने 2, आशीष कुमार ने 2 और राजूलाल चौधरी ने 1 पॉइंट लिया था। तो ये परफॉर्मेंस पिछले सीजन की, तो आपने प्लेयर्स भी मैंने दोनों के दिखा दिया ताकि आपको और आसानी हो हेड टू हेड प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। एक कूल फैक्ट्स और मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, दबंग दिल्ली जो भी अपनी है होम लेग में खेली है पिछले सीजन में, उसने 6 मैचेज में से 5 मैच जीते, तो ऐसा करने वाले फर्स्ट टीम बन गई प्रो कबड्डी लीग के हिस्ट्री में। तो आप देख सकते हैं दबंग दिल्ली का होम ग्राउंड पे काफी अच्छा रिकॉर्ड है, तो इस हिसाब से आप फेवरेट भी मान सकते हैं दबंग दिल्ली को। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग सेवन की प्रेडिक्शन की। बेंगलोर की तरफ से बात करूं तो फ्रेंड्स, पॉसिबल चेंजेस में पिछले मैच में अजय खेले, विजय खेले, अंकित खेले, आज के मैच में मुझे लग रहा है फ्रेंड्स महेंद्र के आ सकते हैं, बंटी भी खेल सकते हैं और हो सकता है आपको अंकित की जगह आशीष सांगवान भी खेलते हुए देखे। अगर स्टार्टिंग सेवन की बात करूं तो मैं केवल 2 प्रेडिक्शन के साथ जा रहा हूं, आशीष कुमार सांगवान को नहीं ले रहा हूं, तो स्टार्टिंग सेवन इस हिसाब से बनती है। लेफ्ट कॉर्नर में होंगे अमित शरण, लेफ्ट इन में होंगे सुमित सिंह, लेफ्ट कवर होंगे महेंद्र सिंह, सेंटर में होंगे रोहित कुमार, राइट कवर होंगे अंकित, राइट इन में इनके पवन कुमार शेरावत, राइट कॉर्नर होंगे सौरभ नांदल। अगर इस सीजन में परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले कीरा इनका पवन कुमार शरावत का, जो कि इनके राइट रेडर हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखे तो 11, 15, 17, 29, 11 ये उनके ऐसे पॉइंट लिए हैं उन्होंने इस सीजन में। बाकी उसके बाद रोहित कुमार ने 2 मैचेस में चले हैं थोड़ा 12 और 7 और 8,
और इनके डिफेंड में सौरव नाथ ने अच्छी करी है, अमित शौरव ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। अगर सब्स्टिट्यूट्स की बात करूँ, उनके पास हैं विजय कुमार हैं, अजय है, आशीष सांगवान है, बंटी है, बंटी आपको रेड करते हुए देखेंगे, पिछले मैच में भी उन्होंने 4 रेड पॉइंट हासिल किए थे। अब बात कर रहे थे इसके स्कोर्स में, स्कोर्स में रेडर के स्किल्स में आप सभी को पता है पवन कुमार शरावत कितने स्किलफुल रेडर हैं, डुबकी भी वो लगाने लगे हैं, पहले स्पीड थी, रनिंग एंड टच बोनस है, एस्केप अच्छा करते हैं, साथ ही एंटी डिफेंडर भी हैं। पवन रोहित कुमार के बारे में बात करें तो वो राइट रेडर हैं, स्पीड रनिंग एंड टच बोनस के स्पेशलिस्ट हैं, हैंडी डिफेंडर हैं, एस्केप उनके पास इतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली के स्टार्टिंग सेवन से, इसमें पॉसिबल चेंजेस में जैसे कि पिछले मैच में मिराज शेख आ गए थे, हो सकता है आज विजय भी खेले या दोनों में से कोई एक खेलता हुआ दिखेगा। स्टार्टिंग सेवन की बात करूँ तो लेफ्ट कॉर्नर में जोगेंद्र नरवाल, लेफ्ट इन में शेद गफारी, लेफ्ट कॉर्नर के मिराज शेख जो कि बहुत साइड से रेड कर सकते हैं, सेंटर में इनके नवीन कुमार जो कि इनके फर्स्ट रेडर हैं, राइट रेडर हैं, राइट कॉर्नर इनके विशाल मानी, राइट इन में चंद्र रंजीत जो कि इनके लेफ्ट रेडर सेकेंड रेडर हैं, राइट कॉर्नर इनके रविंदर पहल। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो नवीन कुमार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करी है, इन्होंने 11, 11, 12, 10, 10 और 14 के लिए इन्होंने, यह आप देख सकते हैं कि वो 7 मैचेज में 10 सुपर 10 लगा चुके हैं ये। उसके बाद चंद्र रंजीत 6, 8, 10, 5, 11 यानी कि 2 सुपर 10 ये भी लगा चुके हैं, राइट कॉर्नर में इनके रविंदर पहल 2 मैचेज को छोड़ के प्रत्येक मैचेज में अच्छा प्रदर्शन किया है, जोगिंदर नरवाल ने भी हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये इनके अब मैंने आपके पूरी दिखा दी, इनके सब्स्टिट्यूट्स में है विजय जो कि मिराज शेख के साथ खेलते हुए देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक खेलेगा, सोमवीर हैं, सुमित कुमार, अमित मदान, मोहित हैं। अगर इनकी स्कोर्स में बात करूँ तो रेडर्स में नवीन कुमार जो कि राइट रेड, इनकी स्किल की बात करूँ तो है एंडी डिफेंडर तो नहीं है किंतु इनके पास स्पीड भी है, रनिंग है, टच एस्केप सबसे अच्छा करते हैं, ये इनकी इंपॉर्टेंट स्किल इसलिए सबसे ज़्यादा सुपर टेन ये लगा सकते हैं। चंद्र रंजीत जो कि लेफ्ट रेडर हैं, स्पीड है, रनिंग एंड टच है, एंडी डिफेंडर, डिफेंस में भी आपको 2-3 पॉइंट लेते हुए दिखते हैं हर एक सीजन में, बोनस है और एस्केप अच्छा नहीं करते इसलिए कम सुपर टेन ये लगा पाते हैं। साथ ही सैयद गफारी जो कि इनके पार पार डैशेज अच्छा करते हैं, ब्लॉक अच्छा करते हैं, रविंद्र पहल हैं, ड्राइविंग थाई होल्ड सबसे इनका बेस्ट है, मिराज शेख के किक है इनके पास, लेन जंप लगा के रेडिंग में अच्छे पॉइंट ले लेते हैं। प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करूँ तो फ्रेंड्स इस सीजन में पवन कुमार शरावत ने 9 मैचेज में 103 रेड पॉइंट हासिल किए, 5 सुपर 10 लगा चुके हैं, 66% इनकी सक्सेसफुल रेड रही है। उसके बाद रोहित कुमार ने 9 मैचेज में 40, 1 सुपर 10, 36 इनकी सक्सेसफुल रेड है, इस कारण से ये इतने अच्छे इस सीजन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद सुमित बंटी हैं और ये इनकी सभी की एवरेज है। नवीन कुमार ने 7 मैचेज में 75 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, 1 सुपर रेड डाली है और 6 सुपर 10 लगा चुके हैं, और इनका देखे तो फ्रेंड्स 57% सक्सेसफुल रेड इन्होंने डाली है। उसके बाद चंद्र रंजीत, उन्होंने 7 मैचेज में 43 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, 2 सुपर रेड डाली हैं, 1 सुपर 10 लगाया है, 48% उन्होंने की सक्सेसफुल रेड रही हैं। आप देखेंगे तो पवन के बाद नंबर आता है नवीन का और चंद्र रंजीत का। एवरेज पॉइंट्स में भी देखे तो इनका स्कोर ऐसे ही बनता है, पवन कुमार शरावत 11 से ऊपर प्रत्येक मैच में रेड पॉइंट हासिल करते हैं, उसके बाद है नवीन कुमार का 11 के करीब, चंद्र रंजीत का 6 से ऊपर है, रोहित कुमार का 4-5 के करीब है। डिफेंडर्स में बात करें तो फ्रेंड्स महेंद्र सिंह जो कि थोड़ा अनफिट है इसलिए खेल नहीं है, उन्होंने 7 मैचेज में 22 पॉइंट टैकल पॉइंट्स लिए हैं, 5 सुपर टैकल्स लगाए हैं, 1 हाई फाइव, 40% उनके सक्सेसफुल टैकल्स रहे हैं। अमित शौरव ने 9 मैचेज में 20, 1 हाई फाइव, और सौरव नंद ने 8 मैचेज में 16, 2 हाई फाइव लगा चुके हैं, 40% उनकी सक्सेसफुल रेड रहे हैं। उसके बाद पवन कुमार शरावत अभी तक फाइंड रहेंगे, 9 मैचेज में 9 टैकल पॉइंट्स उन्होंने भी हासिल किए हैं। उसके बाद दिल्ली की तरफ से जोगिंदर नरवाल ने 7 मैच में 28 टैकल पॉइंट्स, 4 सुपर टैकल्स किए हैं, 54% उनकी सक्सेसफुल रेड रही हैं। रविंद्र पहल ने 7 मैचेज में 13 पॉइंट्स, विशाल मैंने 7 मैच में 8 पॉइंट, शहीद गफारी ने 6 मैचेज में 8 पॉइंट। एवरेज टैकल पॉइंट्स देखे तो सबसे अच्छे रहे हैं मनेंद्र सिंह के, उसके बाद अमित शौरव हैं, जोगिंदर सिंह है, रविंद्र पहल हैं, सौरभ नांदल हैं और उसके शहीद गफारी विशाल माने हैं।
तो ये एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड्स, इतना डीपली आपको शायद किसी चैनल पे मिले। साथ ही मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप देख सकते हो कितना टाइम हमें लगता है वीडियो बनाने में, तो आपका एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक हमें काफी मोटिवेशन प्रदान करेगा। आगे चलते हैं वीडियो में, बात करेंगे मस्ट पिक की। इस मैच के लिए मस्ट पिक करेंगे ये प्लेयर्स पवन कुमार सराव, तमीश रोहन, सौरभ नांदल, नवीन कुमार, जोगिंदर नरवाल, चंद्रन रंजीत। साथ ही ड्रीम इलेवन पे कितने परसेंट लोगों ने लिया है मैंने आपको साथ दिखा दिया और डीपली एनालिसिस आपको दे दिया। साथ ही सजेशन की बात करूं, स्मॉल लीग में पवन कुमार सराव तो नवीन कुमार का सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन रहेगा, पवन सराव चंद्र रंजीत को भी आप ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंशियल जो प्लेयर्स रहेंगे वो है रोहित कुमार, महेंद्र सिंह अगर खेलते हैं तो अंकित, रविंद्र पैल, मिराज शेख, विशाल माने, शेद गफारी, विजय। ग्रैंड लीग के बात करूं तो रोहित कुमार चंद्र रंजीत को आप ट्राई करें फ्रेंड्स, रोहित कुमार जोगिंदर नरवाल को भी आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही फैंटेसी बाजार टीम हम आपको डेमो टीम प्रोवाइड्स करते हैं, आप बिल्कुल फ्री अपनी टीम प्रेडिक्ट करने के लिए। मैंने आपको इतना डीपली एनालिसिस ऑलरेडी बता दिया, साथ ही अब आगे आपको वीडियो में मैं आपको ड्रीम इलेवन के कॉम्बिनेशन प्रीव्यू दिखाऊंगा और आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। फैंटेसी साइट्स जो है ड्रीम इलेवन माई टीम लाला प्लेन से भी के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप नए हैं तो आप मेरा रेफर कोड यूज करके साइन अप हो सकते हैं, आपको रेफर बोनस साइन अप बोनस मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल लिंक्स पे, टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहां मैं आपको सिक्स कॉम्बिनेशन दिखा रहा। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है स्मैलिक का कॉम्बिनेशन है ये फ्रेंड्स, इसमें मैंने ट्राई किया है पवन कुमार शरावत को, नवीन कुमार को, मिराज शेख को ट्राई किया है, गफारी है और चंद्रन रंजीत है, मिश्र और नांदल को साथ ही इसमें मैं गया बेंगलोर की तरफ से। साथ ही अगर इस टीम में ग्रैंड लीग आप खेल रहे हैं तो आप चंद्रन रंजीत को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो मिराज शेख खेलते हैं तो मिराज शेख को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। सेकेंड जो टीम मैंने बनाई है फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टा कर दिया, नवीन को इस टीम में कैप्टन बना दिया, वाइस कैप्टन पवन कुमार शरावत को, रोहित कुमार को इस टीम में ट्राई किया, मिराज शेख, गफारी हैं, जोगिंदर नरवाल को ट्राई किया, साथ ही नांदल हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम की, साथ ही फेवरेट मानते हुए मैं दिल्ली को इस टीम में जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो मैंने 5-2 का कॉम्बिनेशन ये लिया है और मैं पवन कुमार शरावत नांदल के साथ गया हूँ, गफारी को लिया है, रविंद्र पैल को ट्राई किया है, मिराज शेख है, चंद्र रंजीत है, नवीन कुमार हैं। इधर आप रविंद्र पैल की जगह ट्राई तो फ्रेंड्स जोगिंदर नरवाल को आसानी से ट्राई कर सकते हैं, अगर पवन कुमार शरावत की जगह आप रोहित कुमार को ट्राई करना चाहे उसको भी आप आसानी से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये चेंजेस बता दिया, अगर मिराज शेख नहीं खेलते हैं आप यहाँ पे जो भी खेलते हैं ऑलराउंडर आशीष सांगवान है, विजय है, उनको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। फोर्थ जो टीम मैंने ट्राई किया फ्रेंड्स, ये मैंने बेंगलोर को फेवरेट मानते हुए 5-2 का कॉम्बिनेशन गेंद से लिया है, 5-2 का कॉम्बिनेशन, और मैंने नवीन कुमार को लिया, मिराज शेख को, अमित शोरन हैं, अंकित हैं, नांदल हैं, रोहित कुमार हैं, पवन कुमार शरावत कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को बनाया है, नवीन कुमार को लिया, अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे चंद्र रंजीत को लेकर कैप्टन बना सकते हैं, रोहित कुमार को या चंद्र रंजीत को यहाँ पे वाइस कैप्टन, ये भी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो आप यहाँ पे अंकित को ना चूज करके एक अच्छे प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं, या गफारी को या किसी और को, तो ये कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। फिफ्थ जो टीम बनाई है फ्रेंड्स, मैंने ये बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की, साथ ही डिफेंडर्स को मैंने ज्यादा डिफेंडर फ्रेंडली टीम बनाई है, नांदल को ट्रैक है, मिश्रान है, जोगिंदर नरवाल, रविंद्र पैल, मिराज शेख को लिया है, चंद्र रंजीत को लिया है, पवन कुमार शरावत को ट्रैक किया है, वाइस कैप्टन दोनों का ग्रैंड लीग की टीम है, साथ ही पवन कुमार शरावत की जगह आप चाहें तो रोहित कुमार को ले सकते हैं और इधर चंद्र रंजीत की जगह नवीन कुमार को आप ट्राई कर सकते हैं। सिक्स जो टीम बनाई है, अगेन मैंने बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की, इस टीम मैंने विजय को ट्राई किया है, पवन कुमार शरावत को, रोहित कुमार, विजय, नवीन कुमार को वाइस कैप्टन बनाया, रोहित के साथ गफारी है, जोगिंदर नरवाल को ट्राई किया है और अमित शोरन है। उम्मीद करूंगा कि फ्रेंड्स ये इतना डीपली एनालिसिस देखने के बाद आप उसे आसानी से अपनी टीम बना पाएंगे जैसी टीम आएंगी। तो फ्रेंड्स से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।